मौजूदा सत्ता जो भाजपा सरकार है वो नंगी हो चुकी है। लोगों को उसकी असलियत पते चल गई है, महंगाई को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, कोरोना काल में जो हालात रहे वो किसी से छुपे नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि अब जनता इनके बहकावे में आएगी। जो आपने माफ़ी मांगी है तो इसका मतलब आप गलत थे, जो गलत का उसका आपको देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, उसके आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो पिछले कुछ समय से लोकतंत्र और संविधान को हैशिये पे धकेल दिया गया था, कहीं ना कहीं उसको भी अब एक सुरक्षा मिली है। परंतु ये सरकार को ये सोचना होगा कि जब तक आप MSP पे कानून नहीं बनाओगे इनका वापिस लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनकी आत्मा MSP में है। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से। इस समय हम गुड़गांव के राजीव चौक पर संयुक्त किसान मोर्चा के धरने के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पे आज देखा जाए तो मोटा मोटा किसान आंदोलन को जो संयुक्त किसान मोर्चा ने ये मुहिम चलाई थी कि 3 कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वापस करने का ऐलान तो कर दिया है, उससे पहले किसान ट्रैक्टर रैली दिल्ली तक, संसद तक जाएंगे, ऐसा किसानों का कहना है। आज 1 साल पूरे होने पर वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और इसके लिए किसान अभी भी सरकार को ये जगाना चाहते हैं कि MSP जिस प्रकार से लागू किया जाए वो अभी उसकी मांग को लेकर किसान आज द्वारा से इस बात को उठा रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर आम आदमी पार्टी गुड़गांव के अध्यक्ष, जो कि आज इस किसान आंदोलन उन्होंने भाग लिया है, जो कि पहले दिन से ही किसानों के साथ में खड़े हुए हैं, हम उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। जी आज डागर जी, जिस प्रकार से 1 साल पूरा हुआ है उसको लेकर किसानों में आज किस विषय पर खास, और आज ज्ञापन देने वाले हैं तो क्या खास मुद्दा है? भारत के इतिहास में इतना लंबा आंदोलन जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आज उसका 1 साल पूरा हुआ है। दुखी मन से और बड़ी लज्जता से हम यहाँ इस धरने पे बैठे हैं, और इस धरने पे आज हम 1 साल पूरा होने पे वो सभी दुखी साथी जो जिस आंदोलन से त्रस्त है, और ये जनता, मजदूर जो भी त्रस्त है, वो यहाँ पे आज इकट्ठा हो रहे हैं। और आज एक ज्ञापन भी हम देने वाले हैं किसानों के हक में, जो पातली का एक जो हमारा इशू है, फ्लिपकार्ट को जो ज़मीन बेच दी है सरकार, एक तरह से दलाली कर रही है उसके, उसमें भी हम एक देंगे। परंतु जो आज हमारा मेन मकसद है, आज हम बड़े दुखी मन से, बड़ी लज्जता से आज यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, और हम ये दुखी मन से ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो ये कानून बनाए थे ये वापस जरूर ले लिए हैं, परंतु ये सरकार को ये सोचना होगा कि जब तक आप MSP पे कानून नहीं बनाओगे इनका वापस लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनकी आत्मा MSP में है, और जब तक MSP वापस नहीं लेंगे तो ये अपने आप में पूर्ण तरीके से कामयाब नहीं है। ठीक है, हमारे साथ में मुकेश डागर जी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि बड़े दुख के साथ में यहाँ पर किसान एकत्रित हुए हैं और सरकार से अपनी अभी भी मांग कर रहे हैं, भले ही सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि हम 3 कृषि कानून वापस लेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर सारिका वर्मा, जो कि बादशाहपुर से आम आदमी पार्टी अध्यक्ष हैं, हम मौजूद हैं, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ये सचिव भी हैं गुड़गांव से। हम ये जानना चाहते हैं कि आप पहले दिन से ही यहाँ पर किसानों के साथ में धरने पर लगातार आ रहे हैं, तो अब जो आज लोग एकत्रित हुए हैं और ज्ञापन देने का, आज DC को क्या आपका मोटिव? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि गांधी जी को मैंने देखा नहीं था, उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन अपने जीवन में मैंने पहली बार देखा कि सत्याग्रह जो है काम करता है। 1 साल हो गया हम सबको बोलते हुए कि काले कानून वापस लीजिए और MSP की गारंटी दीजिए, और एक टाइम पे लगता था जिस बर्बरता से किसानों के साथ अत्याचार हो रहे थे, जिस तरह लखीमपुर पर उनके ऊपर गाड़ियाँ रौंदी गई, टीकरी में उनके ऊपर ट्रक चलाए गए, जिस तरह करनाल में उनके सर फोड़े गए, मुझे नहीं लगता था कि ये सरकार कभी मानेगी। लेकिन
सरकार को किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अगर इलेक्शन को रखते हुए अगर उन्होंने मद्देनजर रखते हुए किसानों के सामने झुके हैं तो पूरी तरह किसानों की बात माने, उनको MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए ताकि किसानों के घर में भी चूल्हा अच्छे से जल सके। और 50% इंडिया जो किसान भारत की जो एग्रीकल्चर करती है उनका भी बेनिफिट हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफिस में जाता है वही लाखों रुपए की नौकरी कमाए, वही अपने बच्चों को अच्छा स्कूल शिक्षा दे सके। किसानों के बच्चों को भी पूरा हक है, जो आदमी जो हाथ से हमारा पेट पलता है, जो पूरे देश का पेट पलता है, अगर हम उनको भी MSP नहीं दे सकते ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। डॉक्टर सारिका का हमारे साथ में ये कहना था कि जिस प्रकार से लोगों ने एक साल बड़ी प्रताड़ना को झेलते हुए बीमारियों से इतने लोग खत्म हुए, उसके बाद सरकार ने ये ऐलान किया है वापस लेने का, तो उसको पूर्णतः स्वतः ख़त्म करना चाहिए। हमारे साथ में यहाँ पर विजय यादव जी मौजूद हैं जो कि देखा जाए तो काफ़ी वरिष्ठ नेताओं में इनकी भी काउंटिंग होती है, भाजपा के अंदर रहे, अभी आम आदमी पार्टी में इस समय है। तो विजय जी, मुझे आप ये बताएं कि जिस प्रकार से ये चुनावी माहौल को देखकर क्या किसान आंदोलन वापस, जो 3 कृषि कानून है वो वापस लिए गए हैं? देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं और इसमें बिल्कुल कोई शंका नहीं कि चुनावों को देखकर ही ऐसा किया गया है। पर मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए गए, ये जो पिछले कुछ समय से लोकतंत्र और संविधान को हैशिये पे धकेल दिया गया था, कहीं ना कहीं उसको भी अब एक सुरक्षा मिली है, उसको भी बचाव किया गया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ किसानों को और एक हर एक भारतीय नागरिकों को जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग और समर्थन दिया और देश को जो तानाशाही की तरफ सत्ता बढ़ रही थी उसको एक नकेल डालने का काम किया है। अभी जिस प्रकार से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, तो क्या इससे किसानों के 3 कृषि कानून रद्द करने से क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को किसान वोट देंगे? पिछले कुछ वर्षों में, विशेष तौर पर पिछले एक वर्ष में, मौजूदा सत्ता जो भाजपा सरकार है वो नंगी हो चुकी है। लोगों को उसकी असलियत पते चल गई है, महंगाई को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, कोरोना काल में जो हालात रहे वो किसी से छुपे नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि अब जनता इनके बहकावे में आएगी। लोगों ने अपना माइंडसेट कर लिया है और वो माइंडसेट भाजपा के खिलाफ हो चुका है और उसके परिणाम यूपी चुनाव में देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ में यहाँ पर राम अदलखा जी भी मौजूद हैं, आपने विजय यादव जी को सुना, उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से कृषि कानून 3 वापस किए गए हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसान किसको वोट देगा, जनता समझदार हो गई है, महंगाई हर चीज़ जो कि पेट्रोल आप देख रहे हैं, दिन पर दिन सब्जियाँ महंगी हो रही हैं, उस चीज़ को देखते हुए जनता इस बार वोट करेगी। हमारे साथ में राम अदलखा जी हैं जो कि खूब कटाक्ष करके सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। जी, आज आप 3 कृषि कानून आपके वापस हो गए, अब आप खुश हैं? ऐसा है, अभी खुशी होने की कोई वो आवश्यकता नहीं है। मेन जो कारण है, जो 12 महीने के अंदर जो अत्याचार हो किसानों पे किए गए हैं, जो हमारी आत्माएं हमारे से भटक गई हैं, उनके बारे में सोचना होगा। आज तक मोदी जी ने कानून वापस करने के लिए तो बोल दिया है, लेकिन उनकी आत्माओं की शांति के लिए एक भी शब्द नहीं बोला है। जबकि आप 70 साल का, 62 का, 84 का रोना रोते हो, तो जो आपने 7 साल, मैं तो बल्कि 7 साल की कर 12 महीने की तो बात ये अलग है, जो 12 महीने में आपने, मतलब है जो घटनाएं घटी हैं, जो भारत माँ के साथ मान हानि हुई है, उसका कौन जवाब दे रहेगा? और दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जो आपने माफ़ी मांगी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या माफ़ी ही काफ़ी है? जो इतने, मतलब जो घटना हो चुकी है, जो देश का, भारत माँ को नुकसान हुआ है, जो मान हानि हो, उसका जवाबदार कौन होगा? आपको याद होगा प्रशांत भूषण जी को 1 रुपये फाइन, जज ने अपनी इज्जत बचाने के लिए 1 रुपये फाइन किया था, सिर्फ इसलिए। तो मैं इसलिए भारत की जनता से अपील करना चाहूँगा, ये माफ़ी काफ़ी नहीं है। जो आपने माफ़ी मांगी है तो इसका मतलब आप गलत थे, जो गलत का उसका आपको देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, उसके आपको हरजाना भुगतना पड़ेगा। ये गुजरात नहीं है, ये भारत है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान है, पल पल चुन चुन का हिसाब लिया जाएगा। धन्यवाद। ठीक, जिस प्रकार से अदलखा जी का कहना है कि सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, माफ़ी मांगी भी है, तो प्रशांत भूषण पे भी सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपये का फाइन किया था, तो इसी सरकार पे भी जिस प्रकार से किया है तो कोई ना कोई फाइन होना चाहिए। संसद में 3 काले कानून रद्द हो जाएंगे,
ऐसी हम सबको उम्मीद है। ये जो ऐतिहासिक जीत है ये उन लाखों किसानों के संघर्ष की जीत है, महिलाओं की, बुजुर्गों की, बच्चों की, जो एक साल से अपना घर बार छोड़कर दिल्ली के चारों तरफ धरनों पर बैठे हुए हैं और जो पूरे देश में जगह जगह धरनों पर बैठे हुए हैं। ये जो ऐतिहासिक जीत है ये उन 700 किसानों के बलिदान की है जिन्होंने आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए लड़ते हुए अपना बलिदान दे दिया। मैं उन सब शहीदों को नमन करता हूं और सरकार से हम ये